है आपका, आज हम करने जा रहे हैं रैशनल नंबर। ये सेवंथ क्लास का चैप्टर है, नाइन्थ चैप्टर। तो ये रैशनल नंबर करने से पहले आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, साथ में इंटीजर क्या है। अगर इनकी जानकारी है फिर आराम से आप बता सकते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, बटों में लिखा जाता है, वो रैशनल नंबर है। सीधी साधी लैंग्वेज है। अब करने जा रहे हैं रैशनल नंबर के बारे में। सबसे पहले देखिए नेचुरल नंबर, और इसका दूसरा नाम पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं, और काउंटिंग नंबर, तीनों एक ही बात है, 1, 2, 3, 4 एंड 100। ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर और काउंटिंग नंबर। और होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर सबसे छोटा 0, 1, 2, 3 एंड 100। अब बात आती है इंटीजर की, 0, 1, 2, 3 एंड 100, -1, -2, -3 एंड 100। ये हो गए हमारे इंटीजर इंग्रेडिएंट्स हैं। ये जरूरी है, कोई सब्जी तैयार करनी है तो उसके लिए इंग्रेडिएंट का होना जरूरी है। ये इंग्रेडिएंट्स है रैशनल नंबर के। तो रैशनल नंबर क्या होता है? आ नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म स्टूडेंट्स? पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। तो इस तरह के नंबरों को रैशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या आई हमारे पास एग्जाम्पल, हजारों एग्जाम्पल हो सकती हैं, 1/2, 3/8, 7/9, -5/4, -8/7, 4/1 और 4 भी कह सकते हैं इसे। जैसे 5 है, 5 को आप कहेंगे ये तो है नहीं पी अपॉन क्यू फॉर्म में, आप इसके नीचे 1 लगा लो, लो जी चाहे 5 अकेला लिख लो जी, सेम ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। अब हमारे को करना क्या है? अब यहां सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, उसने कहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1। स्टूडेंट -2 को आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, और -1 को इस प्रकार से, नीचे 1 लगा लो। अब 5 रैशनल नंबर निकालने, 5 से ऊपर कर लो मल्टीप्लाई तो कम आएगा, अब 10 से ही कर लेते हैं दोनों तरफ, ऊपर भी नीचे भी। अब नीचे देखिए -20/10 और ये आ गया -10/10। तो 5 रैशनल नंबर आपने लिखने हैं। आप शुरू हो जाओ, देखिए नंबर लाइन पे अगर नोट करना हो तो ये आपके पास है, यहां पे -20/10 आएगा और ये -10/10 इस प्रकार से आएगा। तो इनके बिटवीन है सारे नंबर, ये सारे नंबर इसके बिटवीन आप देख सकते हैं। कौन कौन से देखेंगे? -19/10, 18/10, -17/10, -16/10, -15/10 आर 5 रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -1। ये हो गया। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट। यहां पे हमने लिखा है, इसको साफ कर देते हैं और यहीं पे हम कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट और, तो आराम से हो जाएगा, चिंता मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट, ध्यान पूर्वक देखिएगा किस प्रकार से करना है। स्पेस सामने हो तो ठीक रहता है, उसके पास ही हो जाए तो बेटर है। तो स्टूडेंट्स करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखिए फाइंड 5 रैशनल नंबर -4/5 एंड 2/3। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट बड़ा आसान है,
तो पहले लिख लिया आपने माइनस फोर अपॉन फाइव, फिर उसके बाद हमने लिखा दूसरा नंबर वो है माइनस टू अपॉन थ्री। अब एलसीएम लीजिए स्टूडेंट फाइव और थ्री का, थ्री पे गया फाइव पे गया, थ्री मल्टीप्लाई फाइव आ गया फिफ्टीन। अब नीचे फिफ्टीन बना लें, अगर फिफ्टीन से बाद तीन से ऊपर तीन से नीचे मल्टीप्लाई, इसको पांच से ऊपर पांच से नीचे, ट्वेल्व अपॉन फिफ्टीन, तो बहुत कम है स्टूडेंट। अब आप क्या करेंगे, अब ऊपर भी फोर से मल्टीप्लाई कर लें, नीचे भी माइनस, देखिए नीचे मतलब आप देख रहे हो माइनस ट्वेल्व और माइनस टेन के बीच में एक ही नंबर आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे फोर से ऊपर फोर से नीचे, तो लॉ स्टूडेंट ये बन गया, आप क्या लिखेंगे माइनस फोर्टी सेवन अपॉन सिक्सटी। तो चाहे आप फोर्टी सेवन इधर है नंबर लाइन के, दूसरा उधर होगा, तो जैसे मैं बना भी दिखाता हूं आपको, पहले बना के देख लीजिए, ये माइनस फोर्टी एट अपॉन सिक्सटी हो गया, माइनस फोर्टी अपॉन सिक्सटी हो गया, इस प्रकार से हमारा नंबर आया। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट द नंबर, यू हैव टू राइट द नंबर लाइक दैट, पहले नंबर नंबर लाइन पे नोट कर ले, तो उसके बाद फिर आपने करना है, पहले नंबर लाइन पे ये नंबर नोट कर लिए हमने, तो नंबर लाइन पे कैसे हो गए माइनस फोर्टी अपॉन सिक्सटी हो गया। अब इसके बिट में देखिए माइनस फोर्टी सेवन अपॉन सिक्सटी, माइनस फोर्टी सिक्स अपॉन सिक्सटी, माइनस फोर्टी फाइव अपॉन सिक्सटी, माइनस फोर्टी फोर अपॉन सिक्सटी, माइनस फोर्टी थ्री अपॉन सिक्सटी, आर फाइव रैशनल नंबर्स बिटवीन माइनस फोर्टी अपॉन सिक्सटी एंड माइनस फोर्टी अपॉन सिक्सटी, और आप लिख सकते हैं जो स्टार्टिंग है फोर अपॉन फाइव एंड माइनस टू अपॉन थ्री, इस प्रकार से नंबर आ गए हमारे पास। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, नंबर टू क्वेश्चन करना है, उसमें लिखा है फाइंड फोर मोर रैशनल नंबर्स बिटवीन बिटवीन फोर रैशनल नंबर्स, इसके पैटर्न के लिखने हैं। आप देखिए स्टूडेंट पैटर्न क्या है, कि पैटर्न यहां से शुरू हुए माइनस थ्री अपॉन फाइव, माइनस सिक्स अपॉन टेन, माइनस नाइन अपॉन फिफ्टीन, माइनस ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी। आप देख रहे हैं इसको वन से मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया, टू से किया ये आया, थ्री से फोर से, अब हम नेक्स्ट अगला नंबर लेके आएंगे तो कैसे आएगा, माइनस थ्री अपॉन फाइव को आप फाइव से मल्टीप्लाई करें ऊपर और नीचे, माइनस फिफ्टीन अपॉन माइनस फिफ्टीन अपॉन ट्वेंटी फाइव हो गया, नेक्स्ट नंबर आपने लेके आना इसी को करना हमने, सिक्स से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लो, माइनस एटीन अपॉन थर्टी आ गया, अब थ्री अपॉन फाइव को करना है सेवन अपॉन सेवन से, ट्वेंटी वन अपॉन थर्टी फाइव आ गया, एक और नंबर चाहिए, एक और नंबर कैसे आएगा, माइनस थ्री अपॉन फाइव को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं एट अपॉन एट, तो ये हो गया माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन फोर्टी। दीज आर द फोर रैशनल नंबर, ये हो गया माइनस फिफ्टीन अपॉन, हमने यहां लिख रहे हैं माइनस फिफ्टीन अपॉन ट्वेंटी फाइव, माइनस एटीन अपॉन थर्टी, माइनस ट्वेंटी वन अपॉन थर्टी फाइव, और लास्ट माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन फोर्टी। दीज आर द नंबर्स ऑफ सेम पैटर्न, फोर मोर नंबर लिख लिए, इसी प्रकार से बाकी भी आप कर सकते हैं सभी में। मान लो ये क्वेश्चन है, इसके आगे नंबर क्या लिखेंगे, इस नंबर को मैंने वन से किया, फिर टू से, फिर थ्री से, अब इसी नंबर को अब फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा माइनस एट अपॉन ट्वेल्व, फिर फाइव से किया ऊपर भी नीचे भी माइनस टेन अपॉन फिफ्टीन, फिर सिक्स से किया
माइनस 12/18। फिर जब आप 7 से करेंगे इसको तो क्या आएगा, माइनस 14/21। तो ये स्टूडेंट आगे पैटर्न बनता जाएगा। अब आगे कहा गया है गिव 5 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू दिस नंबर। जो सामने नंबर दिए हैं इसके इक्विवेलेंट आपने 4 और 5 रैशनल नंबर जितने मर्जी बोल दें। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेता हूं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके तो वही आएगा, 2 से करो तो ये आएगा -4/14। अब इसको आपने 3 से किया तो -6/21। फिर हम करते हैं इसी को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8/28। फिर इसी नंबर को आप 5 से कर लें तो स्टूडेंट्स आएगा -10/35। नेक्स्ट अगर थर्ड पार्ट भी कर देते हैं, थर्ड पार्ट यहां पे कर देते हैं 4/9 की इक्विवेलेंट आपने मतलब बराबर नंबर लिखने हैं तो इसको 2 से करो पहले 8/18। फिर आप इसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 12/27। फिर इसी नंबर को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो 16/36। इसी नंबर को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर नीचे दोनों तरफ करना होता है तो अपने पास नंबर आ गया। दीज आर द 4 इक्विवेलेंट नंबर्स टू 4/9। 2 से पहले किया, ऊपर भी नीचे भी, फिर 3 से ऊपर भी नीचे भी 12/27, फिर 4/9 को 4 से ऊपर 4 से नीचे तो 16/36, 4/9 को 5 से ऊपर 5 से नीचे 20/45। तो ये हो गए हमारे इक्विवेलेंट नंबर। स्टूडेंट्स अब आपको करने जा रहा हूं मैं, रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं नंबर लाइन के ऊपर किस प्रकार से आपने किसी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। मैं जैसे जैसे लिखता जाऊंगा साथ में साफ भी करता जाऊंगा, स्पेस थोड़ी है मेरे पास तो उतनी जगह में मैंने करना है। जैसे पहला नंबर लिया मैंने तो मेरे पास है स्टूडेंट्स 3/ अपने पास क्या है 4। अब स्केल भी लेता हूं, स्केल से आपको डिस्टेंस आसानी से समझ आ जाएगी। अब मेरे पास इस नंबर को मैंने लिख लिया, निशान लगा लेता हूं, देख लीजिए अब कम ज्यादा आप अपने हिसाब से निशान लगा लो तो इक्वल निशान लगाएंगे लो तो 3/ मेरे पास या 0 लिख लूंगा या 1 या 2 3 4 देखिए अपॉन नीचे 4 लिख दूं तो ये हो गया हमारा, ये नंबर हो गया नंबर लाइन के ऊपर 3/4। अगर मैं चाहता हूं किसी और नंबर को नेगेटिव वालों को, मान लो मैंने निशान लगा लिया, मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड करने जा रहा हूं मैं आपको, पहले मैंने फर्स्ट कराया, थर्ड में मैंने नेगेटिव तरफ जाना है। अब देखिए पहले आप निशान लगा लें अपने जिस मर्जी स्केल से आप अपने हिसाब से लगाते जाएं पर बराबर डिस्टेंस पे निशान लगा लें तो बराबर डिस्टेंस पे ये हमने निशान लगा लिया स्टूडेंट्स स्केल से। अब देखिए आपने क्या करना है इस -7/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते। अब 0 पहले हमने इधर रखी थी, अब थोड़ा इधर रखेंगे, मान लो 0 इधर रख लिया हमने तो यहां पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 नीचे क्या 4 है, सबके नीचे 4 लिख लू 4 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
सी योर माइनस सेवन अपॉन फोर दैट इज ऑन द नंबर लाइन। अब ये हो गए अपने नंबर लाइन पे। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कैसे करेंगे, देखिए कैसे करना है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इक्वल और सेम, आपने अगर इनको मल्टीप्लाई करने के चक्कर में पड़ गए बहुत लेंथी हो जाएगा। आपने क्या करना है, मैंने पहला क्वेश्चन दिया माइनस सेवन अपॉन ट्वेंटी वन, मैंने डिवाइड किया सेवन के टेबल से दोनों तरफ, माइनस वन अपॉन थ्री आ गया। दूसरा नंबर है थ्री अपॉन नाइन, अब इनको थ्री से डिवाइड किया ये वन अपॉन थ्री। स्टूडेंट वैसे ही देखने में लगता है कि एक माइनस है एक प्लस है, सो दे आर नॉट सेम। तो वैसे भी ये माइनस वन अपॉन थ्री और वन अपॉन थ्री आया, नॉट सेम। क्या लिखेंगे, नॉट सेम।
अब ये क्वेश्चन हो गया, अब इसको साफ कर देते हैं, साफ कर देते हैं इन नंबरों को। तो इस प्रकार से जो ऊपर लिखा है इसको साफ करके हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीचे लिखे हैं इनको भी रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं आपको। तो अब ये हो गया, इसको भी साफ करते हैं, जो जो होता जाता है उसे साफ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपने लिखा है टू में -16/20 है। अब ये कौन से टेबल पे स्टूडेंट जा रहा है, फोर पे टेबल पे जा रहा है दोनों, तो -4/5 हो गया। दूसरा नंबर है 20/-25, ये फाइव पे टेबल पे काट दो इनको, तो ये 4/5 आ गया। माइनस क्या है, ऊपर ले जा सकते हैं, देखिए सेम आ गया। तो आप लिखेंगे दीज नंबर्स आर सेम, सेम आ गए, कटने के बाद सेम आ गए। अब ये नजर आ रहे हैं, एक माइनस ऊपर है, माइनस नीचे, माइनस वन प्लस हो गए, ये भी सेम हो गए, सेम। स्टूडेंट अब अपने पास एक आधा और क्वेश्चन कर देते हैं, मान लो ये फिफ्थ पार्ट है, इसने बोला है कि ये सेम है या नहीं, कैसे पता लगेगा, ये तो अपने पास 8/-5 है ही है। दूसरा नंबर है जो -25/15 है, वो कौन से टेबल पे जा रहा है स्टूडेंट्स, इसको आप 3 के टेबल पे काट सकते हैं, ऊपर और नीचे दोनों को 3 के टेबल, -8/5 आ गया। 28 को 3 से काटा -8, 15 को 3 से काटा 5, तो ये देखिए सेम आ गए, यस दे आर सेम, यस दे आर सेम। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा क्वेश्चंस। इस प्रकार से अगर आप एक और देखिए, ये सेम इन दोनों को काट दीजिए, माइनस वन कट गए, ये प्लस का ये माइनस का, नॉट सेम, ये नॉट सेम। तो लो जी स्टूडेंट्स, अगर आपने अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है संजीव सर मैथ सॉल्यूशंस को, तो आप प्लीज उनके वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें, तो आपको सारे चैप्टर धीरे धीरे करके A to Z तरीके से अच्छी तरह समझा के किए जाएंगे। तो बेल आइकॉन को दबा दिया करो, भूला ना करो। अभी इस वीडियो के बाद अभी आपको कराएंगे नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, फिर 9.2 के क्वेश्चन, आज पूरी जो चैप्टर्स हैं जो आपके खत्म करवा देंगे, पूरा कर देंगे चैप्टर नंबर 9 के कंप्लीट। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट।